वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वहवा में रूरल हेल्थ सेंटर और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पोस्ट का दौरा, अद्वियात वैक्सीन और तिबी सामान की दस्तियाबी का जायजा लिया। दही मरकज सेहत के मुख्तलिफ शोबे भी देखे। वज़ीर-ए-आला का रूरल हेल्थ सेंटर वहवा को अपग्रेड करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का ऐलान। राबता सड़क भी फौरी तामीर करने का हुक्म दे दिया। आइसोलेशन वार्ड में तिबी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने और लोगों को सामाजिक फासला बरकरार रखने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कोहे सुलेमान पहुंच गए। चोटी करीमाट में कबाइलियों के साथ घुल मिल गए। पथरीली जमीन पर बैठे बलोची में हाल अहवाल किया। वज़ीर-ए-आला ने करीमाट में स्कूल बनाने का ऐलान भी कर दिया। कबाइलियों का राबता सड़क बनाने और गंदम आटे की फराहमी का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आला की डीसी को लोगों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा कोट अद्दू, खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्ट हाउस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एमपीए अशरफ खान रिंद के हमराह टीएचके अस्पताल का विजिट किया। कोरोना बारे किए गए इकदाम, आइसोलेशन वार्ड समेत दीगर सहूलियात का जायजा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन में रकम की तकसीम शुरू। पहले मरहले में लाहौर और फैसलाबाद के अलावा 34 अजला में 1 लाख से ज्यादा अफराद को रकम दी गई। सूबे में 450 सेंटर्स पर 12,000 रुपए फीकस के हिसाब से 1 अरब 33 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान खान की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम, इमदाद तो ना मिली मौत मिल गई। मुल्तान कासिमपुर कॉलोनी में धक्कम पेल, कदमों तले दबने से एक खातून दम तोड़ गई। 20 जख्मी जाबहक रजाबाद की रहायशी खातून की लाश नेस्तर अस्पताल मुंतकिल। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने खातून की मौत की वजह हार्ट अटैक करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरजेंसी इमदाद प्रोग्राम, मुल्तान बहावलपुर मुजफ्फरगढ़ रहीमिया खान मियावाली समेत सराय के खत्े में इमदादी रकूम देने का सिलसिला जारी। खातीन को फीकस 12,000 रुपए इमदादी रकूम की अदायगी की जाने लगी। इमदाद की वसूल के लिए बहावलपुर में 36, विहाड़ी 15, मियावाली 12, कोटादू 4, जलालपुर पीरवाला में 2 सेंटर्स कायम। मियावाली में 28,000 और जलालपुर पीरवाला में 21,000 रजिस्टर्ड खातीन। एहसास प्रोग्राम में एहसास की कमी, मुस्तहकीन में इमदाद की तकसीम ने इंतजामिया के इंतजाम का पोल खोल दिया। मुजफ्फरगढ़, लैया, सखी सरवर, जामपुर, बुरेवाला और कोटादू सेंटर्स में बदनस्मी, 3 खवातीन जख्मी, 1 की टांग टूट गई। खवातीन के बैठने का इंतजाम, ना ही पीने का पानी, मुनासिब फासला और ना ही कोरोना से एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा गया। कई सेंटर्स पर खवातीन से कटौती के नाम पर पैसे वसूल करने की शिकायत मौसूल। थाना सदर में रिटेलर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई। डीजी खान में वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के अमले पर रकम हड़प करने का इल्जाम। ख्वातीन का कहना है कि अंगूठे लगवाकर इमदादी रकम नहीं दी जा रही। कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं आए। सखी सरवर शहर भर की ख्वातीन सेंटर्स पर पहुंच गईं। ख्वातीन का हजूम, रकम की तकसीम ने लॉकडाउन पर पानी फेर दिया। हुकूमत का एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, मुल्तान में लॉकडाउन के मुतासरीन को माली इमदाद का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने एडीसी हेडक्वार्टर राणा इखलाक अहमद को जिले में प्रोग्राम फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। राणा इखलाक का कहना है कि प्रोग्राम से जिले में 1,10,866 खानदान फायदा उठाएंगे। कैश देने के लिए 19 एहसास कफालत सेंटर्स फाल कर दिए गए हैं। खानेवाल में वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत माली इमदाद का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर आगा सहीर अब्बास शिराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का जिले में कायम सेंटर्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। उधर मियावाली में 12 सेंटर्स कायम। डीपीओ हसन असद अलवी ने पीआईएसपी सेंटर पिपला का दौरा किया। डीपीओ ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। जनूबी पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 815 हो गई। मुल्तान करंतीना में 457, डीजी खान करंतीना में 220 तस्दीक शुदा मरीज मौजूद। तबलीगी मरकज लैया में 17, रहीमिया खान 15, विहाड़ी 14, भावनगर 8, भक्कर और राजनपुर में 1-1 तबलीगी अरकान कोरोना में मुबतला। डीजी खान शहर में 18, विहाड़ी 13, मियावाली 9, बहावलपुर 5, बहावनगर 5, मुल्तान 4 और लैया में 1 मरीज कोरोना का शिकार। बुरेवाला 2, रहीमिया खान 22 और लोधरा में कोरोना के 3 मरीज जेरे इलाज।
भक्कर कॉमर्स कॉलेज करंटीना सेंटर में मजीद 31 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। असिस्टेंट कमिश्नर तलहा सईद ने तस्दीक कर दी। कहते हैं तमाम अफराद को करंटीना सेंटर में कायम अलग वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। सेहत बेहतर होने की वजह से आइसोलेशन वार्ड DHQ में मुंतकिल नहीं किया। मुल्तान जिना टाउन में एक ही घर के 7 अफराद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने का मामला। मुतासरा फैमिली के घर को जाने वाली 2 गलियां सील। घरों के बाहर नोटिस बोर्ड भी आवेजा कर दिए गए। कोरोना से बचाव के लिए इंतजामिया की शहरियों को समाजी फासला रखने की हिदायत। डीजी खान करंटीना से मजीद 5 जायरीन बहावलपुर पहुंच गए। हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक नए आने वाले जायरीन के टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। 5 जायरीन को उनके घरों में रखा गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुकीम 15 जायरीन की रिपोर्ट मनफी आने पर घरों को रवाना कर दिया गया। मुल्तान करंटीना में मुकीम जायरीन के दोबारा मेडिकल टेस्ट कराने का फैसला। ADCR मोहम्मद तैयब खान का कहना है कि करंटीना में 23 मुख्तलिफ अजला से कोरोना वायरस के 98 जायरीन कयाम पजीर हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जायरीन को घर भेज दिया जाएगा। PMA मुल्तान का कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तमाम सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स नर्सेज पैरामेडिक्स को खराज तहसीन। सदर PMA डॉक्टर मसूद रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉक्टर्स नर्सेज पैरामेडिक्स अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर्स के खिलाफ जारी मुहिम की मजम्मत करते हैं। जनूबी पंजाब भर में लॉकडाउन बरकरार। मुल्तान बहावलपुर रहीमिया खान डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़ समेत सराइकी खत्ते में छोटी बड़ी मार्केटें बंद। दूध दही चिकन मेडिकल स्टोर समेत खाने पीने की दुकानें ओपन। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी गाड़ियों की चेकिंग। पुलिस और जिला इंतजामिया की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कानून के रखवाले ही कानून शकन तो पासदारी कौन करेगा। मुल्तान जिला कचहरी में समाजी फासला इख्तियार करने के खिलाफ वर्जी। कचहरी में पुलिस एहलकार दर्जनों मुलजिमान को अदालत में इकट्ठा पेश करने लगे। वकला का पुलिस के इकदाम पर तहफुजात का इजहार। आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। लॉकडाउन के बावजूद शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाने से गुरेजा। मुल्तान बैरून दहली गेट बाजार में शहरियों का हजूम लग गया। बिना मास्क पहने शहरी बाजार में खरीदारी करने में मसरूफ। शहरियों के रश ने लॉकडाउन का मकसद नाकाम कर दिया। बहावलपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होने लगी। अंदरून बाजार में पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ दुकानें खुल गईं। बाजार में रश। अंजुमन ताजरान ने इंतजामिया से लॉकडाउन की पाबंदी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुतादिद मकामात पर नाकाबंदी के दौरान गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद। जुर्माने आयद करने का सिलसिला भी जारी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सारी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है, जिससे सब मुल्क शदीद परेशानी में मुब्तला है, जो सब इंसानों की बड़ी तशवीश का बायस है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि हर शख्स खौफ में मुब्तला है। बहावलपुर में कोरोना के बायस मसीही बरादरी का ईस्टर की तकरीबात घरों तक महदूद करने का फैसला। ईस्टर के दिन अपने घर मोहल्ले और शहर की सफाई का खास ख्याल रखें। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जनूबी पंजाब के मसीही फादर्स ने वीडियो पैगाम जारी कर दिए। बहावलपुर में कोरोना का खौफ कम होने लगा। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी ने कॉलेजेस में स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा जरूरी डाक और इंतजामात के लिए प्रिंसिपल ऑफिस और इससे मुलहका दफातर खुल सकते हैं। सफाई और ग्रासी प्लॉट की देखभाल के लिए दर्जा चहारों का अमला भी कॉलेज आएगा। वजीर आजम का मौजूदा सूरत हाल में बिजनेस कम्युनिटी के लिए पैकेज। तमाम टैक्स रिफंड क्लेम्स पर कानून के मुताबिक सख्ती से अमल करें। FBR की मुल्तान समेत मुल्क भर के रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर्स को तेजी से टैक्स रिफंड क्लियर करने की हिदायत। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा फार्मेसी के तलबा ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मयार के मुताबिक सैनिटाइजर तैयार कर लिया। वाइस चांसलर BZU तलबा को शाबाश देने फार्मेसी डिपार्टमेंट पहुंच गए। कहते हैं हमारे खित्ते के तलबा में बहुत टैलेंट है। तैयार सैनिटाइजर निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स और पुलिस अहलकारों को कम कीमत पर फराहम करेंगे।
कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए लगाया गया लॉकडाउन जारी। फोर्ट अब्बास में शहरियों का दुख दर्द लिए दूध दही की दुकान का मालिक मैदान में आ गया। दुकानदार ने शहरियों के लिए दूध 40 और दही 50 रुपए फी किलो में फरोख्त करना शुरू कर दिया। कहरोड़ पक्का में मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए लीगी रहनुमा और मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हाजी नासिर नवाज ने मुस्तहिक और गरीब अफराद में राशन तकसीम किया। उधर खानेवाल में इस्लामिक रिसर्च सेंटर की जानिब से राशन तकसीम किया गया। कोरोना की जंग में गरीब बच्चे भूख से बिल बिलाने लगे। अहमदपुर सरकिया में झुग्गियों में रहने वालों को शदीद मुश्किलात। कहते हैं कोरोना वायरस से बड़ा वायरस गुर्बत है। चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर बच्चों को दिलासा दे रहे हैं। मकीनों के मुखय्यर हजरात से मदद की अपील। रहीमिया खान में पेशावर भकारियों की भरमार। मुखय्यर हजरात के लिए इमदाद देना भी मुश्किल हो गया। पेशावराना भकारी हकदार का हक मारने के साथ साथ कोरोना के फैलाव का बायस बन सकते हैं। पेशावराना भिखारियों की बड़ी तादाद ने इंतजामिया के लिए भी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लैया में रेस्क्यू की जानिब से जरासीम कुश स्प्रे का अमल जारी। रेस्क्यू ने क्लोरीन मिले स्प्रे के लिए जिले को 9 जोन में तकसीम कर दिया। उधर साकी सरवर में एमपीए सरदार अहमद अली दरेशक ने बैन सुबाई कोटा रोड अंदरून शहर मस्जिद में स्प्रे करवाया। रहीमिया खान में गैस लोड शेडिंग का मसला हल ना हो सका। गैस की लोड शेडिंग ने लॉकडाउन में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी परेशान। चैंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से गैस लोड शेडिंग पर अदम तहफुजात का इजहार। इदारों ने चुप साध ली। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ने शुगर मिल्स ऑडिट के फैसले पर खुद को पेश कर दिया। कहते हैं उन्हें अपनी मिल्स के ऑडिट पर कोई एतराज नहीं। कुछ छुपाया है ना ही छुपाने की जरूरत है। शुगर इंक्वायरी कमीशन या जहां से भी मखसूस मिल्स के ऑडिट का फैसला हुआ उन्हें सामने आकर जवाब देना होगा। मियांवाली में हालिया बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाकों में गंदम की फसल तबाह। करीबी इलाके शदीद मुतासिर। वत्ताखेल शहबाज खेल गुलमेरी बेटियां सराब वाला और यारोखेल में गंदम की फसल का सफाया हो गया। काश्तकारों की साल भर की मेहनत डूब गई। काश्तकारों का हुकूमत से माली इमदाद का मुतालिबा। मुल्तान में आम के बागात में फल लगना शुरू। दर्जा हरारत बढ़ने से फल लगने और बनने का अमल मुतासिर हो सकता है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक मलिक ने खबरदार कर दिया। काश्तकारों को दर्जा हरारत बढ़ने पर फौरी बागात की आपाशी करने का मशवरा। कहा आम के पौधों पर बनने वाले बटोर की फौरी तलफी की जाए। बहावलपुर में गंदम के बारदाना की तकसीम का अमल शुरू। जिला भर में 3,17,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर। महकमा खुराक की जानिब से गंदम के काश्तकारों को बारदाना फराहम किया जाने लगा। गंदम खरीदारी के लिए 28 मराकज कायम किए गए। डीजी खान में बारदाने के इजरा में 13 अप्रैल तक तौसी। एडीसीआर समीउल्लाह फारूक का कहना है कि मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बारदाना की तारीख में तौसी की गई। जिला भर में कायम 9 सेंटर्स में तैयारियां मुकम्मल। जिला भर से 20 लाख बोरी फरोख की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शेराजी का सब्जी और फ्रूट मंडी खानेवाल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शबी डोगर और ईएडीए रजा के हमरा सब्जियों और फलों की बोलियों का जायजा लिया। किसानों के लिए बनाए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली सहूलियात का भी मुआयना किया। खानपुर M5 जाहिर पीर के करीब तेज रफ्तार कार और ट्रॉलर में तसादुम। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 4 जख्मी। जाहिर पीर अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा कार ड्राइवर को नींद आने के बाद पेश आया। दुनियापुर 345 WB में नामालूम अफराद की फायरिंग। हमजा नामी नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए THQ अस्पताल में दम तोड़ गया। थाना सिटी पुलिस ने नाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। अहमदपुर सरकिया में 15 साल शानजा रियाज के अगवा का मामला। मुतासरा लड़की ने बासर जमींदार पर घर से अगवा और मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम लगा दिया। वालिदा का कहना है कि पुलिस ने नाकिस तफ्तीश करके पर्चा खारिज कर दिया। DSP ने मौकफ दिया है कि लड़की अपनी मर्जी से भाग गई थी। मोबाइल डेटा और मुकम्मल सबूत के बाद ही FIR खारिज हुई।
اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں کی سالگرہ علی حیدر گیلانی، موسیٰ گیلانی اور قاسم گیلانی آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں۔ عزیز و اقارب اور دوست احباب کی جانب سے مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔